ਬਾਦਬ ਬਾਮੁਲਾਜ਼ਾ ਹੋਸ਼ਿਆ ਸਰਕਾਰ ਜਜ਼ਬਾ ਛੋਟੇ ਨਵਾਬ ਜੁਨਾਬ ਸਲੀਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੀ ਸਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। सूरत से तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी गांव सख्त कुछ ऐसा कि हमारे नाजुक मिजाज पर डरा न गुजरे। मधुर सुर खास खास कर जाओ। नहीं भंगड़ा है, मिट्ठू मियां ढूंगू लेकर आओ हमारे लिए। हम खुद रख करके नादान सवाइस को अंदाज इतनी रुबाई से गाना चाहते हैं। जब से है देखे गजरा दे लेना, अरे गजरा दे
किरदार नैना जब से है देखे कजराज नैना चैन में मोहे पिया सारी सारी रैला चैन नहीं मोहे पिया सारी सारी रैला ले गई जियर बाको ले गई जियर बाको नैनों की जोड़ी उड़ गई है तब से मेरी निदिया ने गोड़ी लाल चुदरिया मैंने जिस दिल से ओढ़े लाल चुदरिया मैंने गलियों में देखा बहारों में देखा अरे बहारों में देखा रे बहारों में देखा गलियों में देखा बहारों में देखा चंदा में देखा तुझे तारों में देखा चंदा में देखा तुझे तारों में देखा तेरे लिए कोई तेरे लिए कोई गली नहीं छोड़ी गई है तब से मेरी निदिया ने गोड़े लाल चुनरिया मैंने जिस दिल से ओढ़े लाल चुनरिया मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह छोटे नब्बा साहब आज तो आपने कमाल ही कर दिया वाह वाह क्या रस दिया हुजूर छोटे नब्बा ने सुभान अल्लाह कुर्बान जाइए अपने छोटे नवाब साहब क्या रचाओ था आवाज का और क्या लगाओ था सुरों मेरे लिए क्या हुक्म है सरकार तुम्हें इनाम दिया जाएगा लेकिन तुम्हारी बेसुरी बेटी की तारीफ नहीं की जाता दे दो आप लोग अब जा सकते हैं हनी यू रख के बेमिसाल मत बिजलियां लेकिन ये बिजलियां पहाड़ों पर न गिरी तो ना वो अंदाज क्या हुआ जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं नवाब हुजूर आपके ये नमस्कार वफादार बेजार हो चुके हैं शहर की धुआंधार सजा मैं नौसी के लिए किसी पहाड़ी के खूबसूरत मकान पर जाना चाहता हूँ खर्च कितना होगा छोटे चमचे ये तो आप बताइए हुजूर अब यही पर 5,000 रुपये ठीक है हम अपना इस पुराने समाज से दहशत से मिले आज छोड़ के नया बंगला क्यों बना देते नाश्ता ठंडा हो रहा है तुम नाश्ता करो पता नहीं पे तुम्हारी ये तमन्ना ना पूरी कर देंगे हाँ वो याद है हम संतोष मरी जा रहे हैं 3,000 रुपयों की सख्त जरूरत है अभी सुन के परेशान क्यों हो गए हमारे दोस्त सोचेंगे कि छोटे नवाब इतनी मामूली सी रकम नहीं ला सकते मामूली रकम तुम्हारी खुशी तुम थोड़ी देर इंतजार करो मैं रख लाता हूं नवाब साहब
आखिर कब तक आप इस पुराने हवेली पर कर्ज लेते रहे? काफी रकम दे चुका हूँ, अभी इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। मुंशी साहब मुझे बहुत जरूरत है, वरना मैं कभी नहीं आता। अरे भाई मेरी अपनी भी तो मजबूरियां हैं, मैं क्या करूँ? मैं ज्यादा से ज्यादा 5-10 हजार कर सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता, वो भी इस शर्त पर क्या आप इन कागजात पर दस्तखत करते हैं। लाइए दस्तखत भी कर दूं, ताकि ये रोज रोज का झगड़ा ही खत्म हो जाए। क्या बात है यार, सभी तक अब्बा हजूर कहीं नवाब साहब शतरंज की बाजी में तो नहीं फंस गए? यार आगे बस, अब हासिल वो ये लो 3,000 रुपए, इनसे कुछ नए दोस्त खरीद लेना। और हाँ एक खुशखबरी भी सुनो, तुम इस हवेली का अंदाज बदलना चाहते थे ना, हमने फैसला किया है इस हवेली को बेचकर तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक नए तर्ज का बंगला बनवा देंगे। अब्बास जाओ बेटा जाओ। उमर के बच्चे मैंने तुम्हें गाय नहीं चाय लाने को बोला था। दीदी 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 मैं तो यही समझा था। तुम गलत समझे, बाहर डैडी ने गाय के घर के तमाम पुराने चीजें बदल देते तुम्हारे समय, लेकिन लगता है डैडी भी तुम्हारी तरह कुछ ऊंचा समझे। ऐसी तो कोई बात नहीं बेटी, हमने तो हमेशा तुम्हारी हर बात को बड़े चक्कर से टाल जाते हैं, जानती हूँ मैं, एकदम बोर और बेजार होती है घर से और इस सामान से। अब देखिए ना ये कोई डेकोरेशन है, ये सोफा सेट, ये कालीन, मेरा बस के लिए तो घर पर नीलाम घर भी पाता। इजी बेबी इजी, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक हर पुरानी चीज बदल जाए। आखिर कब तक? मैं चाहती हूँ सब कुछ एक दिन में हो जाए। तुम कुछ दिनों के लिए मरी हो आओ, इस दौरान घर का सारा सामान बदल जाएगा। मरी मरी मरी, एक तो मैं ये मरी से बोर हो चुकी हूँ। गिरी का तेल, गिरी का तेल सर के बालों के लिए बहुत मुफीद है बीबी जी। मत तुम्हारा तेरा गलत हो जाए। हेलो, हाँ सलमा, हाँ क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। क्या कहा? मरी पहुंच गई हो? हाँ हाँ मैं भी निकल रही हूँ, ठीक है ओके बाय। किसका फोन था बेटी? मेरी सारी सहेलियां मरी पहुंच रही हैं, उन्होंने मुझे भी बुलाया है, मैं भी जाऊंगी अभी और इसी वक्त। सच मानिए डैडी, मरी बहुत प्लेजेंट जगह है। चुम्मन तो मेरा सामान गाड़ी में रखो जल्दी। अच्छा, अजीब लड़की है, कभी धूप कभी छांव। आदाब सरकार। कहो मुंशी कमाल, कैसे आना हुआ? सरकार कमाल अपना कमाल दिखाने आया है, मैंने कंगाल नवाब की हवेली जो कमोबेश 10 लाख रुपए की होगी फकत 4,30,000 में कह कर दी। वेरी गुड, हमें तुमसे यही उम्मीद। ये सब आपकी इनायत है, वरना बंदा किस लायक? जो कुछ आपने सिखाया है उस पर अमल कर रहा हूँ। वैसे सरकार साहब ने नवाब को लूट लिया है। होटल में कमरा मिलना तो मुश्किल है। क्या? अब क्या होगा छोटे नवाब? मुझे तो यूं लगता है जैसे आज रात हमें फुटपाथ पे गुजारनी पड़ेगी। रुक जाओ शरीफ लड़को, मैंने तुम्हारी मजबूरी को जान लिया है। आप लोगों की रिहायच की जरूरत है तो मैं आपको वेल डेकोरेटेड खुला छिद्र बंगला किराए पे दे सकता हूँ। नहाने धाने का खास इंतजाम है, लेकिन एक शर्त है, किराया कुछ ज्यादा होगा। अबे छोटे नवाब से पैसे की बात करता है, अगर ये चाहे तो तुम्हारे बंगले को खरीद सकते हैं। छोटे नवाब तो फिर आइए मेरे साथ। अरे इधर नहीं इधर आइए 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 हुजूर, ये तशरीफ आइए, ये देखिए देखिए मुलायदा फरमाइए, कैसा शानदार बंगला,
राहत मंजिल नाम है और यहाँ आपको बहुत सी राहतें मिलेंगी। माहौल कुछ बदबूदार है, वैसे गुजारा हो जाएगा। अजी हुजूर आपकी हवेली वाली बात कहाँ, लेकिन फिर भी गुजारा हो जाएगा। गुजारा हो जाएगा मेरा मतलब है आपका गुजारा तुआम समेत होगा या बगैर तुआम के? आप खाना पका लेते हैं मिस्टर? जी हजूर, राहत मंजिल में मैं आपको ऐसी ऐसी खुराकें पका के खिलाऊंगा कि आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी और आप बंगले के बाल टहलते नजर आएंगे। वैसे आपका कारोबार क्या है मिस्टर, आपका कहीं ये धंधा तो नहीं? जी हाँ हजूर, बिल्कुल ठीक समझे आप, सारी उम्र खानदानी लोगों की खिदमत की है। ये लीजिए चाबियों का गुच्छा। नहीं हजूर, पहले कुछ टिप टिप यूसुफ जी सर, इन्हें दे दो। हजूर नवाब साहब ने कहा है मुझे दे दो। तुतरु तारा तारा बोले ये दिल का एक तारा बमारा। सर खा ले। ये सर हुक्म दीजिए, आर्डर लगाइए, अगर हो सके तो आर्डर से पहले टिप लगाइए। टिप भी लगाएंगे, पहले ये बताओ कि क्या छोटे नवाब के हुजूर खाना चाय वगैरह तुम ही पेश करोगे? जी हाँ, वैसे अगर ये काम आपको पसंद है तो आप कर ले, मैं कोई दूसरा कर लूंगा। इस काम में आपको टिप भी मिलेगी और तक्के भी। ओ तो मेरा मतलब नहीं समझे। दरअसल छोटे नवाब के अपने बंगले पर ये सब काम कनीजें करती है। अच्छा जी। हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें कहना चाहता था, अगर हो सके तो कुछ नौजवान और खूबसूरत कनीजों का बंदोबस्त कर लो। नौजवान कनीजें? हाँ हाँ, बेहतर होगा अगर सबकी उम्र 16 और 20 के दरमियान हो, रंग सफेद और जिस्म भरे हुए। सफेद रंग? यस, जिस्म भरे भरे। एक्जेक्टली, नौजवान कनीजें। बिल्कुल। क्या हुआ, आपने मुझे तल्ला समझ रखा है? मैं ये बंगला किराए पे जरूर देता हूँ, लेकिन कनीजें किराए पे नहीं देता। चाहिए ये काम खुद कर लीजिए, लगता है छोटे नवाब ने आपको इसी काम के लिए रखा हुआ है। क्या रखते हो? मैं रखता हूँ। Nonsense, idiot! किससे मिलने हैं आपने? अबे क्यों डरा रहे यार, मुझे मिलने आए। मंगल आप मुझे मिलने आएंगे ना? जी नहीं। ये सब क्या बकवास है? अरे नवाब साहब जरा देखिए तो सही, हम लोगों को कितनी राहतें मुयस्सर आ गई हैं। आप सूरत से बहुत शरीफ आदमी लगते हैं मिस्टर। मैं? आप नहीं, आप। जी शुक्रिया। हम गलती से किसी दूसरे बंगले में आ गए हैं, हमने समझा था ये हमारे सहेली राबिया का बंगला है। आने की गलती की है, रहने की गलती भी कर लें। इंशाल्लाह नुकसान नहीं, आपको फायदा होगा। क्या बकवास कर रहे हैं मिस्टर? नर्सों से हम दर्जियों को गलत रसम के हाथे एक रात यहाँ गुजार के तो देखे जरा। माशाल्लाह चश्मे बच्चों, सब लोग रात के इंतजार कर रहे थे। बेहुदा बदतमीज, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बेजार मोहब्बत, दिली जज्बात जान कर रहे थे। आप यहाँ साथ में गुजार दीजिए। तो ये तुम्हारा बंगला है? अगर दिल चाहे तो जिंदगी भर ही गुजार दीजिए, हम ये बंगला आपके हाथ में मिलेगा। ना आप सही कह रहे हैं। ओ यू शट खालिद। आ गया आ गया। मालकन। जी हाँ, अब इस बंगले की मालकन तुम सबका सामान सुहाकर बाहर पिकवा देगी। हमने यहाँ रहने का किराया दिया है हजूर, आप हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं अभी पुलिस को फोन करके तुम सबको थाने भिजवा दी। मर गए, फोन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक रात की बात है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जैसे ही हमें होटल में जगह मिल जाएगी हम उनसे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है,
अपने दोस्तों से कहिए तो इसे दो कमरे इस्तेमाल करें, वो भी सुबह तक के लिए, वरना उसके बाद आप सबका सामान गेट से बाहर होगा। अच्छा, नौबत नहीं आएगी। समझे सिन्हा ने कहा है कि अगर हमने ये 15 सालों तक खाली ना किया तो हमारा सारा सामान सड़क पर पड़ा होगा। छोटे नवाब, खुदा के लिए कुछ करो, वरना इस मरीज की सर्दी में हम लोग तो फूल भी जम जाएगी। इन बेचारे यतीमों का नहीं तो कम से कम मेरा ही ख्याल करो। इधर तो देखो, आज रात को उधार दो, कल होगा तो देखा जाएगा। अब आप लोग दूसरे को मिलते सीखे नहीं हजूर, अपने होने वाले ससुर का घर समझा है। बदमाश खाली प्यार खाली, अभी और इसी वक्त इन गुंडों को समाज में बाहर निकाल दो। मगर माँ, हम नई तहजीब के गंदे अंडे नहीं, जिन्हें उठा के बाहर गली में फेंक दे। मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुम जाकर बाकियों का सामान बाहर फेंक दो। देखिए रानी बेगम, वो आप हमारे साथ शरीफ वाला बताओ नहीं कर रही। मेरे मुंह क्या देख रहे हो, ये जीत ऐसे नहीं मानेगा, इसे पलंग समेत उठाकर बाहर फेंक दो। घबराइए नहीं साहब, हम आपको बाइज्जत तरीके से उठाकर बाहर फेंक देंगे। 1 2 3 मदर मां, आप बहुत जल्दी कर रही है। मास्टर ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मास्टर क्यों साहब, पलंग सवारी का मजा आया? बस यहाँ नहीं, बाहर सड़क पे रख दो, ताकि किसी गाड़ी चले कुछ ले जाए। कमेटी वाले एतराज करेंगे। चलो चलो चलो, जल्दी करो। अबे हाथी का बच्चा नवाब बाबू कहाँ ले जा रहा है? नवाब साहब दुनिया से चले जा रहा है। आराम से रखो मुलाजिम भाइयों, फिगर का तमाशा है, धूमधाम से निकले। एक तो बदतमीजी करते हो, ऊपर से गरज छेद पड़ते हो, उल्टा दस का पलंग। अरे नहीं 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 नहीं, हम खुद ही चले जाते मैडम जी। चलो दोस्तों, बड़े बे आबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। जान छूटी इन लोगों साहब। आप मरीज दिल्ली का पूरी लाइन का क्या लेंगे? 360। हम आपको 400 रुपये देंगे, मगर शर्त है कि ये वैगन दिन रात हमारे डिस्पोजल पर रहेगा। चलिए आप कहते हैं तो ऐसे ही सही सामान रखिए। आओ तक उन लड़कों को रोके रखना। जी क्या कहा आपके आने तक उन्हें रोके रखो। जी ठीक है, ओके। हे जवान
मैं कहती हूँ दूर हो जाओ यहाँ से, वरना वो मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखूं। क्यों चले जाए? ये आपका बंगला नहीं, ये हमारा घर है। जहन्नुम में जाए ये घर और तुम। आप भी साथ चलिए। ओ शट अप। ओ बका। मरो। मैंने कहा जियो। मेरे आने तक उन लड़कों को रोके रखना। लेकिन उन्हें तो पुलिस के आने तक रुकना है। बंदूक ना तलवार के आगे, ना तोप ना बंदूक ना तलवार के आगे, हम सर को झुकाएंगे दर यार के आगे, हम सर को झुकाएंगे दर यार के आगे, ना तोप ना बंदूक ना तलवार के आगे, ना तोप ना बंदूक ना तलवार के आगे, हम सर को झुकाएंगे दरे यार के आगे, हम सर को झुकाएंगे दरे यार के आगे। पर हुस्न मेहरबान हुआ है यारो, इश्क पर हुस्न मेहरबान हुआ है यारो, हम पे भी प्यार का एहसान हुआ है यारो, हम पे भी प्यार का एहसान हुआ है यारो, कुर्बान इस इतिहाद के आगे, हम सर को झुकाएंगे दरे यार के आगे, हम सर को झुकाएंगे दरे यार के आगे। हम नशी हसरत दीदार रहेगी कब तक, हम नशी हसरत दीदार रहेगी कब तक, प्यार की राह में दीवार रहेगी कब तक, प्यार की राह में दीवार रहेगी कब तक, दूसरी
दिन रात हम दिलदार के आगे ना बंदूक ना तलवार के आगे ना तोप ना बंदूक ना तलवार के आगे हम सर को झुकाएंगे दरे यार के आगे हम सर को झुकाएंगे दरे यार के आगे हेलो हेलो इंस्पेक्टर सुनो यहाँ क्या अचानक हुआ मुझे फोन पर किसी लड़की ने सलाह दी है कि राहत मंदिर पर गुंडों ने हमला कर दिया यार उन सबको तुमने भगा दिया चलो अच्छा हुआ भाग गए मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो यार वो लड़की ने भगा दिया वो मेरी होने वाली वो है जरा शुगल कर रहा था विश्व बैर पतला कैरियर थैंक यू ये शरीफ लोग कुछ नहीं कहते आपका क्या ख्याल है अभी बता दिया मैं आपका इंतजार करूं छोटे कहती हैं आपको कब जान छूटेगी इन कमबख्तों से मुझे तो लगता है नकली नवाब पटड़ी से उतर गया है मोहब्बत हो गई उसे तुमसे उसकी दीवानगी ठीक करने का तो इलाज किया था तुम्हें कुछ फर्क पड़ा सारे दांत हिला दिए हैं मेरे जॉन फरी नए लगवा ओहो चलो अभी पिकनिक पर तो चले आज तो हिम्मत नहीं है कल चलेंगे साहब क्या जो दिया कल आपकी वैगन का बिल अदा कर दिया जाएगा कहाँ अदा कर दिया जाएगा किस तरह अदा कर दिया जाएगा मिस्टर मिस्टर नहीं छोटे नवाब कहिए आपने छोटे नवाब से पैसों का मुतालबा करके इनकी शान में तोहिन की है तुम्हारे साहब एक तो वैगन का इंजन पिंजर ढीला कर दिया दूसरे छोटे नवाब की तोहिन नहीं तोहिन मत करो वैगन के नादान मालिक दरअसल हमारी बेगम को हिस्ट्रिया की मरीज है मेरा मतलब है उनको कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते हैं इसलिए उन्हें आपकी वैगन पे पथराव करके आपकी वैगन का हालत खराब कर दिया कल आप फिर हमारे बंगले में भिजवा दीजिएगा सब ठीक हो जाएगा आइए बिल बंगले में भिजवा दीजिए सब ठीक हो जाएगा अब क्या होगा छोटे नवाब हमारे तो हम और क्याम का क्या बनेगा बयाम दिले महबूब में हो जाए तो हर मिर्च छोटी नजर आती है मेरे दोस्तों भाई सबसे पहले हमें अपनी बेगम की बीमारी की फिक्र है क्या कहा जो भी कहा दुरुस्त कहा हमें सबसे पहले किसी डॉक्टर से रिजू करना चाहिए आओ बहुत परेशान डॉक्टर साहब जी तो क्या तकलीफ है आपकी बेगम शर्मा में जी वो जी बस क्या अर्ज करूं डॉक्टर साहब शदीद किस्म के दौरे पड़ते हैं हमारी बेगम को बात बात पे लड़ती हैं बात बात पे घटिया कुत्ती की तरह चिल्लाती रहती हैं चंद मखसूस जुमले बोलती रहती हैं हर वक्त
مثلاً مثلاً کیا وہ کہتی ہیں؟ ہاں وہ کہتی ہیں کہ میں دوں گی نہیں، مطلب دل نہیں دوں گی، موٹر کے بل نہیں دوں گھی، تم سب لوگ گھر میں ہی رہ سکتے، چھوٹے نواب اس گھر میں مالک نہیں ہو سکتے۔ بالکل، بارہا یہی باتیں ہم نے بھی سنی ہے سر۔ ایسی کوئی ایسا خاص واقعہ جس میں ایسی باتوں کا پس منظر ہو؟ جی کوئی واقعہ؟ او یاد ہے ڈاکٹر صاحب، آپ تو جانتے ہیں عورتیں کتنی بہت کنجوس ہوتی ہیں۔ ہماری بیگم کی گاڑی پہ حد پسند تھی، بس اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو کیا آپ کی بیگم اس ایکسیڈنٹ میں تھی؟ جی خدا نہ کرے حضور، ہماری بیگم وہ ڈرائیور چلا رہا تھا، نقصان بہت زیادہ ہو گیا، بل آ گیا۔ جب بل آ گیا میں نے کہا بھی دو، کہنے لگی میں نہیں دوں گی، پریشانی تو مجھے نکال لیا۔ تو گاڑی بہت عزیز تھی جی، اسی لیے اب تک پکارتی ہیں کہ بل میں کس حساب میں جاؤں۔ ایگزیکٹلی سر، یو آر رائٹ، یو آر رائٹ۔ اور صرف یہی نہیں، پولیس کی دھمکیاں اور نہ جانے کیا کیا کہتی ہے، بھاگنے کو دوڑتی، کاٹنے کو دوڑتی۔ واہ واہ واہ، نرس انجیکشن ان کو نہیں اس کو دینے کو کہا ہے۔ اس کی حرکتوں سے تو لگتا ہے اس کو دینے کو کہا ہے۔ آؤ پلیز، سو یو ڈونٹ مائنڈ پلیز۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ میں بہت سخت پریشان ہوں، ہم نے یہ پیار کی شادی کی تھی ڈاکٹر صاحب۔ لو میرج، لو میرج۔ ہاں تمہاری بھی ہو جائے گی لو میرج، لو میرج۔ تو ٹیکا لگا جی۔ تو آپ کچھ کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب؟ مجھے کہ آپ ہماری بیگم کو اپنی کلینک میں کمرہ دیتے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ دورہ عام طور پر کس وقت پڑتا ہے؟ جی وہ صبح ٹھیک 10:30 ہے۔ او بھائی جی، اچھا تو ویسے کرتے ہیں کل میں آپ کے ساتھ ہی چلا چلوں، دراصل میں اس کو دورے کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب جو کچھ آپ کو بتایا ہے ان شاء اللہ اس سے کم نہیں ہوگا، زیادہ ہی ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ ہاں بھائی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ روٹ شروٹ تو خیر راستے میں سے لے لیں گے۔ ہاں اس ٹیپ کی ذمہ داری تم پر، اس کے سیل چیک کر لینا، یہ نا پکنک اسپاٹ پر سے سیلی ویک ہو جائے۔ نہیں نہیں، نئے سیل تو میں خود لے کر آئی ہوں، اپنے یہ ٹیپ ریکارڈر کے۔ بیگم صاحبہ میرے لیے کیا ہو؟ تم کون ہو؟ میں بس والا ہوں بیگم صاحبہ۔ بس والے ہو تو میں کیا کروں؟ کل جو ہماری بس ٹوٹی تھی میں اس کا بل لینے کے لیے آیا ہوں، اور چھوٹے نواب صاحب کہہ رہے تھے کہ بل بیگم صاحبہ دیں گی۔ بیڑا کرک کرے چھوٹے نواب کا، دیکھا یہ ہماری جان نہیں چھوڑیں گے، میں یہ جانے بل دوں اور کیا دے نواب کے بچے کو، میں آپ کو پولیس کے حوالے کروں گی۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب ذرا غور سنیے۔ ہاں ہاں سن رہا ہوں، یہ تو بہت بڑا کیس ہے، سائیکو کیس، لیکن تم نہیں سمجھو۔ اس میں تو بہتر ہے میں تمہارا سر پھوڑ دوں، میری نظر سے دور ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں بھی پولیس کے حوالے کر دوں۔ نہیں نہیں بیگم صاحبہ، میں اس پٹے میں نہیں پڑتا، میں اپنا بل چھوڑتا ہوں اور چھوٹے نواب سے کہہ دوں گا تمہاری بیگم نے مجھے۔ میں کوئی بیگم میگم نہیں رکھی۔ کیا بکواس ہے؟ تم یہی ٹھہرو، یہ زنانہ کیس ہے۔ نرس چلو جلدی سے چلنے کی تیاری کرو، سارا موڈ ہی آف کر دیا، کیا کمبخت پیچھے پڑ گئی۔ کیوں پریشان ہوتی ہیں آپ؟ آپ کون ہیں؟ آپ کا ہمدرد، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ آپ ہوش میں تو ہیں مسٹر، کیوں چلو میں آپ کے ساتھ؟ کون ہے آپ؟ اس بل لینے والے کے ساتھی؟ میں کہتی چلی گئی یہاں سے، چلی گئی۔ ابھی چلا جاتا ہوں، میرا خیال ہے اسے پکڑ کر ہی لے جانا پڑے گا۔ چلو آگے بڑھو، پکڑ لو، آگے پاگل پن کے دورے پڑ رہے ہیں۔ آپ سے کس نے کہا؟ یہ غلط ہے۔ یہ غلط نہیں، ٹھیک ہے، مجھے ان کے شوہر نے بتایا کہ ان کو پاگل پن کے دورے پڑ رہے ہیں۔ یہ کیسے کرا بھائی؟ کیا رابے کی شادی ہو چکی ہے؟ کیا خبر ہو چکی ہوں؟ ہو سکتا ہے، میں پاگل نہیں ہوں ڈاکٹر، میں پاگل نہیں ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ چھوڑو نا میری بات، اس نے ڈاکٹر میری بات، میں بالکل ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ کو میری بات پہ یقین کیوں نہیں آتا؟ چیک
चेकअप और रिपोर्ट्स। सिम्टम्स तो पागलपन के दिखाई नहीं देते, लेकिन उस लड़के ने जो कहा था, पुलिस की धमकी और न जाने क्या क्या कहती है, भागने को दौड़ती, काटने को दौड़ती। अब फिर खामिद गलत रिपोर्ट तो नहीं दे सकता? खामिद? वो मेरा खामिद नहीं है, वो फ्रॉड है, धोखे बाज है। मैं उसको पुलिस के हवाले कर दूंगी, पुलिस के हवाले कर दूंगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली कहा था खुद ये डॉक्टर सालों से छुप के शादी कर ली है, अब वो खौफ का रास खुल जाने के अंदर। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग समझते क्यों नहीं? ओ मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल पागल हो जाऊंगी, तुम लोग समझते क्यों नहीं? नर्स, मरीज की हालत बिगड़ने से पहले इंजेक्शन दे। ऑल राइट डॉक्टर। डॉक्टर साहब का ख्याल है कि उसने अपना शादी का राज खोल जाने के खौफ से या किसी और अंदेशे से मैन ऑफ बैलेंस हो गया। क्या खबर है भैया, ये सच ही कह रही है? ओहो, वो तभी हम सबसे पहले पहुंचा हुआ था। इसका मतलब है खबरें हम सबको धोखा दिया है। बिल्कुल, बात फेल फेल में बिगड़ के रह गई तो फिर हम क्या करें? तुम क्या करें, अपने अपने घरों को जाओ, उसका खौद उसकी देखभाल कर रहे हैं, चलो अपने अपने घरों को जाओ। चलो तुम बहुत बड़े फ्रॉड हो। आप कैसे आ गए? अपनी रकम वापस लेने के लिए। रकम? वो तो खातों पीतम हसबंड। तुम्हारा हाजमा बहुत स्ट्रांग है, आपको अब पता चला? कोई बात नहीं, नए नए है ना, आहिस्ता आहिस्ता सब मालूम हो जाएगा। सुनो, तुम्हारे पैसे लौटा दो या हमारे रहने का यहाँ पर बस। ये कैसे हो सकता है, राबिया बीबी तो यही मौजूद है। तुम फिक्र ना करो उसकी, तो मैं जी पागल हो चुकी है। पागल हो चुकी है तो उसने मुझे सच कुछ पागल बना दिया है। ये और दिन में मन में बाकी है तो मेरे घर में मजेदार होगा। ओ फ्लॉट, सब सो चुके होंगे, भागने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता। राबिया राहत मंजिल फोन करके मेरे खामे छोटे नवाब को तो बुला दीजिए। अब पड़ी ना बात, अपने खाम से मिलना चाहती हो? मिलना चाहती हूँ, वो अपना छोटा नवाब है ना, छोटा नवाब। उनसे सवेरे गुफ्तगू होगी, डॉक्टर साहब टेलीफोन करके आप बुलाएंगे। हम नहीं बुला सकते। हम नहीं बुला सकते तो फिर बुलाओ ना फोन करके, डॉक्टर जी को कहो। नहीं बुलाते, क्यों नहीं बुलाते? मर्जी। हेलो जी। हेलो भाई, आपकी बेगम साहब नॉर्मल हो गई हैं। कौन सी बेगम? अरे भाई कितनी बेगम है आपकी,
मैं उस बेगम का जिक्र कर रहा हूँ जिसे कल आप दाखिल करवा के गए। कमाल है, आज आप भूल भी गए। डॉक्टर, ये दोनों उसको तो नहीं पड़ गया? अरे मैं, आप डॉक्टर खान साहब? जी हाँ जी हाँ, मैं डॉक्टर खान बोल रहा हूँ। हाँ जरा जल्दी आ जाइए। थैंक यू। नर्स, क्या कहा था डॉक? ये वार्ड नंबर 3 में दिया। मेरा मतलब है आपकी तबीयत तो ठीक है ना जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जान। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मेरा मतलब है प्लीज इसे देखिए ना। ये क्या देखेंगे, इन्होंने तो मुझे पहले ही बहुत डांटा है, अब डांटिए ना। नहीं, मेरा मतलब है मियां बीवी राजी तो क्या करेगा डॉक्टर साहब? प्लीज जानिए, काजी का बिल दीजिए और घर चलिए। बिल जी तो हम दे चुके हैं। अच्छा तो फिर चलिए ना, मैं घर जाने के लिए बहुत उदास हूँ। गाड़ी लाए जी? जी गाड़ी, जी हाँ जी हाँ, वो चाबी चाबी जी हाँ मुझे दे दी। अब चलिए चलिए ना जाने। अगर उस ताकि ना समझे तो इतना फरमा, आप जाकर रहेंगे पुलिस स्टेशन जी? तुम जैसे फ्रॉड लोगों की दो ही मंजिलें हैं, या गाड़ी से कूदकर खुदकुशी कर लो या जेल की हवा खाओ। गाड़ी पास ना चलाइए, हम दिल के बहुत कमजोर है मिसाबिया। आपके चेहरे का रंग उड़ गया है, खैर तो है। ये काम नहीं करें मिस्टर। उसने बताया ये क्या क्या दिया आपने? बताइए स्टीयरिंग भी दे दीजिए। नहीं मिस्टर। सिर्फ मत कीजिए मिसाबिया, प्लीज हमें आपकी जिंदगी बहुत अजीज है, प्लीज। कुछ मत पूछिए डॉक्टर साहब, खुदा रहे इन्हें बचा लीजिए। हैरत है, ये तो आपको लेकर गए थे लेकिन खुद जख्मी होकर आ गए। इन्होंने अपनी जान पर खेल कर मुझे बचाया है, प्लीज इन्हें बचा लीजिए। आप फिक्र न कीजिएगा नर्स, इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाइए। आप मेरे साथ आइए प्लीज। आप कह रही हूँ अंकल? क्या कह रही हो निगर फरसाना? राबिया ने शादी कर ली है, कब क्यों और किसके साथ? वो नवाब ज्यादा है। नवाब ज्यादा नहीं, जी गए अंकल, राबिया पागल हो चुकी है। क्या कह रही हो, मेरी बेटी पागल हो गई है? मैं ठीक कह रही हूँ अंकल, वो इस वक्त मरी में है डॉक्टर खान के हॉस्पिटल में। ओह माय गॉड, यूँ लगता है कि तुम लोगों की बातें सुन सुनकर मैं पागल हो जाऊंगा। चुम्मन चुम्मन, फोन लेकर आओ। फोन ला सरकार, किसका? अरे नहीं कमबख्त, पहले टेलीफोन लेकर आओ, टेलीफोन जाओ जल्दी खेले आओ। ऐसा कहिए ना सरकार, ये तूफान कहां से आ गया और कैसे आ गया? टेलीफोन का खून लाया हूं सरकार। बहुमत। हेलो ट्रंक्स, प्लीज मुझे मरीज काल मिला दीजिए, बीपी डॉक्टर खान। यस जी जी, मैं डॉक्टर खान बोल रहा हूं जी। राबिया बेगम? राबिया बेगम नहीं डॉक्टर साहब, मिस राबिया कहिए, मेरी बेटी कुंवारी है, कुंवारी। लेकिन अब तो वो शादीशुदा है। डॉक्टर साहब लगता है आप पागल हो गए हैं, ये बताइए मेरी बेटी का क्या हाल है? अब वो तो ठीक है, अलबत्ता उनके खामन का एक्सीडेंट हो गया है।
और डॉक्टर साहब ऐसी नॉनसेंस बातें मत कीजिए। अजीब पागल आदमी है। तुम बहुल्लू के पट्टे। खुशकिस्मत है आप, एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल में आ गए, वरना इस वक्त जेल में कैद होते। मैं तो इस वक्त अपने आप को कैद में महसूस कर रहा हूँ। यही कैद तो मैंने भी काटी है जनाब। सच? हाँ हाँ। कितनी अच्छी है आप। तुम पर जो गुस्सा था ना वो गाड़ी की तोड़फोड़ में दूर हो गया। हमें मालूम था कि एक दिन आपको यकीन आ जाएगा कि हम आपको। मैं भी आपको एक अच्छे दोस्त की तरह पसंद करती हूँ। आपने मेहरबानी, हाय दिल दिया आपने मेहरबानी, मिल गई प्यार को जिंदगानी, दिल दिया आपने मेहरबानी, हाय दिल दिया आपने मेहरबानी। आपने मेहरबानी, दिल दिया आपने मेहरबानी। ये जिंदगी आपके नाम लिख दी है ये जिंदगी, प्यार की है यही तो निशानी, प्यार होगा ना कम हर खुशी की कसम, प्यार होगा ना कम हर खुशी की कसम, है वो मंजिल जहां आप रख दे कदम, है वो मंजिल जहां आप रख दे कदम। ओ शुक्रिया हम सफल, हम ना मिलते अगर, आपने मेहरबानी, दिल दिया आपने मेहरबानी, मिल गई प्यार को जिंदगानी, दिल दिया आपने मेहरबानी, दिल दिया आपने मेहरबानी। पागल हो गई है आप गालिबन मिसेस छोटे नवाब के बारे में। ओह नो डॉक्टर नो, ये बकवास है, सरासर झूठ है। क्या सच है क्या झूठ है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपकी बेटी और छोटे नवाब दोनों यहाँ से जा चुके हैं। जा चुके हैं। इंस्पेक्टर साहब, इस कंगाल नवाब को अभी और इसी वक्त इस हवेली से निकाल बाहर फेंकिए। क्या कह रहे हो कंगाल? ये कयामत तोड़ने से पहले हमें इस तूफान से आगाह तो किया होता। माफ करना, मैं तुम्हारा नहीं अपने मालिक का ख्याल खाऊं। तुमने इस हवेली के एवज कर्ज लिया है और मैंने अदालत से कुर्की ली है। लेकिन कमाल भाई, रिश्तेदारी का वास्ता देकर अपनी मुफलिसी को सहारा देना चाहते? बेसुध। देखते क्या इंस्पेक्टर साहब, आप कानूनी कार्रवाई कीजिए।
और चलता फिर जिस नवाब साहब को। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपकी हवेली सामान समेत फुर्क हो चुकी है नवाब साहब, आप यहाँ से कोई चीज भी नहीं उठा सकते। हम क्या सुन रहे हैं? वो बात जो हमने तुम्हारी आरजुओं की तकमील के लिए हमेशा तुमसे छुपाई, उस रात से आज तुमने नकाब उठा देख लिया है बेटा। तुम्हारे होठों से निकली हुई हर बात पूरी करने के लिए हम इस हवेली पर कर्ज लेते रहे, लेकिन तुम्हें मायूस नहीं किया। यहां तक कि आज ये हवेली हमारी नहीं रही सलीम बेटा, हमारी नहीं रही। तबासुर, ये आप क्या कह रहे हैं? हम मुफलिस और कल्लाश हैं बेटा, लेकिन हम इन लोगों से, तुम इनसे कुछ नहीं कह सकते, हम इनके मकरूज हैं। ये हमें इस हवेली से निकालने आए हैं। आओ हमारे साथ, एक हारे हुए इंसान का पछतावा बनकर इस हवेली को छोड़ दो बेटा, छोड़। हमें की कसम आशपुर में है, हम एक बार जहां लौट कर जरूर आएंगे। सभी बात बहादुर, आप यहां ठहरिए, मैं जरा दोस्त से मिला हूं। यूसुफ, छोटे नवाब, आप और इस वक्त खैरियत तो है? हां यूसुफ, हजबंदा नीलाम हो गया है, हम कंगाल हो गए हैं। कंगाल हो गए? खुदारा एक रात के लिए पनाह दे दो। दरअसल बात यह है कि घर में कुछ मेहमान आए और फिर इस छोटे से घर में आपको पनाह देकर आपकी तौहीन नहीं कर सकता। अब्बा हजूर, यूसुफ की कुछ अपनी मजबूरियां हैं, मेरे और बहुत सारे दोस्त हैं, आइए। हेलो तारिक। हाँ यूसुफ, मैं तारिक बोल रहा हूँ। अरे भाई, छोटे नवाब तलाश हो गए हैं। अरे वो सहारा तलाश कर रहे हैं। दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो, वरना ये बिजली कहीं तुम पर न टूट पड़े। और सुनो, और दोस्तों को भी बता दो, कहीं वो जद्दे में ना आ जाएं। ठीक है ठीक है, ओके मैं कर लूंगा। सुनो जी, बाहर अगर छोटे नवाब आए जी, उसे कह दो साफ सो रहा है। जी बेहतर। जी साहब तो सो रहे हैं, और ना जगाने का हुक्म है। उनसे कहिए कि छोटे नवाब आए हैं। हुजूर के बड़े नवाब भी आ जाए तभी मैं साहब को नहीं उठा सकता। साहबजादे, आपके चेहरे की परेशानी से मालूम होता है कि आप भूखे हैं।
गाई है। खा लो बेटे, अल्लाह का शुक्र है कि उसने ये नियमत हमें बख्शी। इन सब परेशानियों से निजात पाने के लिए मैं काम करूंगा, मैं काम करूंगा। हमारी अर्जी मंजूर कर ली गई है, तुम्हें मुलाजमत दे दी गई है मियां, और जाओ अकाउंटेंट से अपना काम समझ लो। शुक्रिया हजूर वाला, बहुत बहुत शुक्रिया। सर अगर कुछ एडवांस मिल जाए तो ज्यादा जरूरतमंद मालूम होते हो। अच्छा ये लो चिट और अकाउंटेंट से एडवांस। राम साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्यों सब ठीक है ना? बस ताश के पत्तों को अपनी उंगलियों की जबान समझा रहा हूं। शार्प पर हो? नहीं, शार्प खेलता हूं। खूबसूरत अड्डा है आपका, जहां काला धंधा भी होता है और गलत कारोबार भी। नाम और तारीफ तो बहुत सुनी थी आपके रेस्टोरेंट की, और आज खुद अपनी आंखों से देखिए। आप शायद मालिक नहीं, मेजबान हूं यहां आने वाले। फिर हो जाए मेजबान। कार्ड तुम्हारे नहीं मेरे हो। बेगम साहिबा नेक औरत लगती है, उन्होंने जरूरत का सामान भी साथ ही दे दिया है। बेटा हमारी शराबत की वजह से हमने इंटरव्यू से क्वालिफाई किया।
रुपए ना कमाने के ताने देती रहती है। उठाओ ये रुपए, ये दौलत मैंने जुआ जीत के कमाई है। मुझे नहीं चाहिए ये रुपए, जो आप दो जीत कर लाते हैं, मेहनत कीजिए, मजदूरी दीजिए, ये रुपए है आपकी कमाई है। कमीज गुस्ताख, तेरी ये जुरत, जाओ जाओ मेरे घर जाओ। ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ रहने को जी नहीं चाहता, कोई और मकान तलाश कर लीजिए। नहीं बेटे नहीं, हालात की नहीं जज्बात की कदर करनी चाहिए, जज्बात की कदर करनी चाहिए बेटा। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त गोदाम में गंदम की कितनी बोरियां मौजूद हैं? तकरीबन 2000 बोरियां होंगी। आज रात सब माल सरहद पार कर दिया जाए। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है सर, ऐसे ही होगा। गुड, वेरी गुड, थैंक यू सर। हुजूर वो क्या बात, कोई मुश्किल या दुश्वारी? मुश्किल कारोबारी नहीं, जाती है हुजूर। बात दरअसल ये कि मेरा बेटा जाने अपनी तालीम खत्म करके चंद ही दिनों में वापस आ रहा है। भाई ये तो खुशी की बात है, कोई मुश्किल तो नहीं? मुश्किल ये सर कि आपने मेरे घर को भी अपने माल का गोदाम बना रखा है, इसलिए मैं अपने बेटे को अपने घर नहीं ठहरा सकता। आप तो जानते हैं कि कारोबारी राज फाश होने का अंदेशा है ना। तो ये बात है, तुम भी ठीक ही कहते हो। चांदी के खराजात के लिए कुछ रकम और सर छुपाने के लिए ठिकाना चाहिए सर। रकम मिल जाएगी और वो रहने के लिए। अरे हाँ, तुम जाति को हमारे बंगले पर भेज दो। थैंक यू सर, आपने मेरे तमाम प्रॉब्लम हल कर दी, तो नाइस आदमी सर। कोई बात और मंजिल मेरे कदमों में। Anybody home? Johnny's here. And where is everybody? आप लोग कौन है और बिला इजाजत यहाँ क्यों है? इजाजत? What इजाजत? दुनिया में इंसान इजाजत लेकर आए? नहीं, इसी तरह जॉनी भी हर जगह विदाउट परमिशन एंट्री देता है। तो आपको नो एंट्री बताना पड़ेगा। प्लीज प्लीज प्लीज, अमन सुकून, यूनाइटेड नेशंस। देखो भाई, हम शरीफ आदमी है, बदमाश नहीं। तुम जाओ नजमा बीबी को बोलो जाने आया है पेशावर से। तो आप लोग ऐसे नहीं मानेंगे? हैं? नजमा हैप्पी एंड दिस इज योर जॉनी, योर जॉनी। ओ बजाओ। नजमा माय लव, बहुत पिटाई हो गई तुम्हारे जाने की। यू नो समथिंग, आई डोंट थिंक ही लाइक्स मी वेरी मच, बट आई लव यू माय एंड आई लव यू नजमा माय लव। कोई बात नहीं, तुम्हारी खातिर सारे लाहौर से मार खा सकता हूँ। छोड़ो इन लोगों को, चलो अपने फ्लैट पर चले। लीड ऑन, चलो। तुम क्या दे रहे हो? ऐसे लोगों की वजह से शहर होते। कौन लोग थे बेटे? अब्बा हजूर, न जाने कौन देवता मेहमान पड़ोस में आए। ओह माय गॉड, वही पहली तस्वीर जैसी सूरत, वही स्टाइल जो खतों में था, सीजन में भी है। यू शट अप। नजमा डार्लिंग, स्टाइल बदलने वाले फेथफुल लवर्स नहीं होते, और तुम जानती हो मैंने तुम्हें एक साल में एग्जैक्टली 473 लेटर्स लिखे। ओ जॉनी, माय लव यू लेटर्स। आइए आइए, आप सब भी आइए, आज मैं आपको
बेटा डार्लिंग, हम तो हैं एवर रेडी सर। खामोशी। दिस इज द म्यूजिक। मेरा हीरो मुझे लव स्ट्रोक में बुला रहा है। मेरा मतलब है बहुत छोटे आदमी से, बहुत छोटे आदमी। डिजाइन आज कल अच्छी नहीं आ रही। बीबी जी, अब बड़े साहब के सेक्रेटरी आए हैं दफ्तर से। अच्छा आइए साहब। बोल रहे हैं बीबी जी। सेठ साहब ने फाइल भेजा है, बताइए किस प्रोफेसर को जॉब देना है। एक तो डैडी के मुलाजिम बहुत तंग करते हैं। छोटे नवाब आप? हम छोटे नवाब नहीं, आपके डैडी के मुलाजिम हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? हम ठीक कह रहे हैं, हम कोई नवाब वगैरह नहीं। छोटे नवाब मत पुकारिए, मैं इस नाम से, इस नाम में हमारी तलब की दास्तान छुपी हुई है राबिया बेगम। आपने माजी में कहीं हमारी बातों को एक फर्जी दास्तान समझकर हमारी खानदानी अस्मत का मजाक उड़ाने की कोशिश की है। नहीं छोटे नवाब नहीं, मैं तो आपको बताना चाहती हूँ कि आपके खानदान की अस्मत मेरे डैडी के जुल्म का शिकार हुई है। राबिया क्या कह रही है आप? मैंने अपने आप को तुम्हारे दुश्मन की बेटी साबित करके तुमसे मोहब्बत की भीख मांगना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। दौलत और हैसियत का फर्क हमारी मोहब्बत को नहीं मिटा सकता। जब तक ये दुनिया है साबित तुम्हारी रहेगी।
मुझसे प्यार किया है, दिल दे के इकरार किया है, मैंने तुझसे प्यार किया है, दिल दे के इकरार किया है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, मर के भी हम प्यार करेंगे, तेरे दिल की धड़कन बन के तुझ में रहोगे जब तक ये दुनिया रहेगी, तुझे प्यार में करती का बहाना ढूंढो चलो। जिंदगी की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत न रही तो ये जहन प्यार की तकलीफ क्या करेगा। ओहो, फिर वही मायूसी की बात। तुम इस तरह करो, बूढ़े प्रोफेसर का रूप धारकर हमारे घर ट्यूशन पढ़ाने आ जाए करो। इससे फायदा? फायदा ये कि तुम्हें अपने दुश्मन और मेरे डैडी के असल रूप का पता चल जाएगा। अगर ऐसी ही बात है तो फिर मुझे ये भैरूप भरना ही पड़ेगा। कुछ रोज पहले मैंने जाने के हाथ एक दरख्वास्त भिजवाई थी सर। तुमने अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा मांगा है मिस्टर कमाल। जी नहीं, मैंने अपनी खिदमत का सिला मांगा है। 15 साल से मैं आपके इशारे पर नाचकर अपने वतन से गद्दारी कर रहा हूं, इसलिए अर्ज किया। अर्ज नामंजूर भी हो सकती है। सोच लीजिए हुजूर, गोदाम में अनाज की बोरियां भी मौजूद हैं। धमकी देते हो? जी नहीं, अपनी वफादारी का एहसास दिलाना चाहता हूं। तुम्हारी वफादारी रिश्तेदारी में बदल सकती है, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम अपने बेटे जानी से कहो कि वो अपना लिबास, रहन सहन का अंदाज बदले ताकि राबिया बेटी उसे पसंद करने लगे। यह कोई मुश्किल काम नहीं, यह काम तो 10-15 दिन में हो सकता है। तो फिर शादी भी 10-15 दिन में हो जाए। प्रॉमिस? यस। कोई बात नहीं, ठीक है। आपको खांसी की बहुत ज्यादा शिकायत? ये बस उम्र का तकाजा है, उम्र का। मुझे तो हैरानी इस बात की है राबिया बेटी कि तुमने अपने मिजाज के खिलाफ एक बूढ़े प्रोफेसर को। अच्छा है ना डैडी, बूढ़े प्रोफेसर से छेड़छाड़ का खतरा तो नहीं रहता। ठीक है ठीक है, अब माफ कीजिएगा, मैं तो ये पूछना भूल ही गया कि आपकी तारीफ। जी बस तारीफ उजात एक आदमी की है जिससे मुझे खुदी और हालत तक पहुँचा है। जी क्या मतलब? जी मतलब अल्लाह की हुस्न की तारीफ कर रहा हूँ। अल्लाह की हुस्न की मुझे प्रोफेसर अहमद बेदिल एमए पीटी लंदन कहते हैं। बेदिल तो आप श्योर अंकल के प्रोफेसर साहब बेदिमाग भी होंगे। अब आओ नई नस्ल के कुमरा नौजवान, चश्मे के आते शीशे कच्चे चबा गए। जो कोई खास नहीं प्रोफेसर साहब। अरे राबिया डार्लिंग, ये कोई बढ़ने का वक्त है, बाहर निकल के देखो मौसम कितना हसीन है, और ये प्रोफेसर कितना है। मेरे प्रोफेसर को हूट मत करो भाई, स्टडी का टाइम है, मैं नहीं जा सकता। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पहले दिन सैर हो जाए तो अच्छा है। नई नस्ल की बात दादी भी तुम जा सकते। मुनासिब होगा प्रोफेसर साहब, क्या आप भी बच्चों के साथ? बस यकीनन सारा प्रोग्राम बोरिंग हो जाएगा। क्यों? प्रोफेसर साहब का तुम लोगों के साथ जाना बहुत जरूरी है। जानी ओके अंकल, ओके, वो कबाब में हड्डी वाला कुछ सुन रहे हैं। ये प्रोफेसर मिलेगा, गाड़ी नहीं मिलेगी। मगर हम तीनों मोटरसाइकिल में बैठेंगे कैसे? नो 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 नो, तो फिर बुजुर्गों की या
लिए ना मैं बताता हूँ, मैं जानी के पीछे बैठूंगा और मेरे पीछे मिश्रा भी आप तो फिर अकेली मोटरसाइकिल पर जाओ, मैं और मिस्टर आबिया मारी में जाएंगे। जरा हो जाए मुकाबला दो पहियों का और चार पहियों का। हाँ ये ठीक है मिस्टर जानी, ये बात दिल को लगी है। चले ना चले। बट बात आपके दिल को लगी तो फिर रेस भी लगी। लेट्स गो अंकल। चलो बेटा चलो। बेवकूफ कहीं का। अब क्या इरादा है? चलो कहीं ऐसी जगह चले जहां हमें कोई ना देख सके।
मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मैंने खुद राबिया को एक नौजवान के साथ लव सॉन्ग गाते देखा। बड़े सेक्सी स्टाइल में। बिल्कुल गलत बकवास कर रहा है ये लड़का। मेरा ख्याल है ये कोई हशीश वशीश का तन लगाता है। मुझ पर गलत ब्लेम मत लगाओ प्रोफेसर, मेरा फ्यूचर इस घर से अटैच है। तुम्हारा फ्यूचर बहुत डार्क है। मेरा ख्याल है तुम कोई अलादीन का चिराग तलाश करके अपनी जिंदगी में रोशनी पैदा करो। यू ब्लो लाइट प्रोफेसर साहब, जैसे नेक और बुजुर्ग इंसान की मौजूदगी में मैं भला किसी से गलत बात कर सकती हूँ? हाँ, मेरा बुढ़ापा कदम कदम पर राजीव दीदी की जवानी की हिफाजत करेगा। मुझे आप पर भरोसा है प्रोफेसर साहब, ये लड़का यकीनन हशीश के चक्कर में है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। ओह नो अंकल, आप भी ठीक है। I'm going। राबे बेटी, मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं, इसलिए तुम अपने कमरे में जाकर प्रोफेसर साहब से पढ़ो। अच्छा डैड। हेलो अमजद साहब। हेलो मिस्टर फैयाज, मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था। माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों की किसी बात में मुखिल तो नहीं हुआ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। राबिया मेरी बेटी है। अच्छा अच्छा। हेलो। माशाल्लाह माशाल्लाह, खूब लड़की। तुम प्रोफेसर साहब से यहीं पढ़ लो बेटी, हम लोग दूसरे कमरे में चले जाते। चलिए भैया चल। इस शख्स की सूरत पहचान लो। बुद्धू नजर आता है। ये बुद्धू हमारा दामाद बनने का ख्वाब देख रहा है और हम चाहते हैं कि ये दूल्हा बनने से पहले कब्रिस्तान पहुंच जाए। गेम बहुत बढ़िया चल रहा है। रकम भी इतनी ही बड़ी मिलेगी। जानी नाम है इसका। कत्ल का ये खेल हमारे क्लब में खेला जाना बहुत जरूरी है ताकि हमारे आदमी लाश को गायब करके तुम्हारे इस जुर्म पर पर्दा डाल सके। कुछ बिल्कुल इन हालात में तो जाने का कत्ल बहुत आसान होगा चिट साहब। नजमा, तुम चाहे कितना भी बदल जाओ मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। यस यस, वोंट यू सिट डाउन? थैंक यू। कितनी बेजारी है तुम्हारी बातों के अंदाज में। नो नो, ऐसी कोई बात नहीं। वेटर, टू कॉफीज प्लीज। यू आर लुकिंग वेरी वेल। Yes. एक मिनट के लिए। Excuse me.
वजीर। जेठ हमजद के घर रहते हो ना? यस। और गालबन तुम आबे को पसंद भी करते हो। वेल, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारी बेहतरी सी मैं कि तुम इस बेचारी लड़की को चक्कर मत दो। चक्कर भी जस्ट गुड फ्रेंड्स एंड आई आई से गेट आउट गेट आउट गेट आउट। ओके ओके ब्रदर आई एम गेटिंग आउट। आज का दिन में काशिक ऐसे होते हैं। hey, मिस्त्री क्या गड़बड़ है? कितना देर लगेगा? ये आपको सुबह मिलेगा जी। सुबह डेफिनेट। हाँ ओके। टैक्सी टैक्सी टैक्सी। मालदान चलेगा? जरूर चलेगा जी। लेट्स गो। जानी बेटे तुम और यहाँ और डैड आपने मुझे बहुत परेशान किया। यू मेड माय लाइफ मिजरेबल। ठीक है अंदर चल के बात करते हैं। आओ डैड। ओह कितने पैसे? 10 रुपए साहब। चलो जानी का अपना घर भी है और ये रहता सेठ अमजद के घर में है। सेठ अमजद जानी को कत्ल करवाना चाहता है और कातिल मेरे घर में रहता है। इस राज को बेनकाब करना ही पड़ेगा। आखिर तुम्हें वहां से आने की क्या जरूरत थी? बात मैं उस घर में क्यों रहूं? मैं चाहता हूं अमजद सेठ की बेटी राजिया तुम्हें पसंद करे, जो अब तक नहीं करती। नहीं करती ना करे, किसी और को पसंद करती हो। लेकिन मैं चाहता हूं वो तुम्हें पसंद करे और तुम्हारी शादी हो उसके साथ। जरूरी है। तुम्हें ये गेम समझ में नहीं आएगा। गेम व्हाट गेम डैड? अगर मेरी शादी में ना हुआ हो जाएगा क्या? हो जाएगा? हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हमारे घर की एक एक चीज गिरी पड़ी है, यहां तक कि तुम्हारा उंडा भी आया अगले शरीर में। उंडा भी? माय गॉड आ गया आ गया मेरे वो अकले शरीर। सुनो बेटे मेरी बात गौर से सुनो। उसको हासिल करने के लिए सबसे पहले तुम्हें इंसान बनना होगा। अपना ही हुलिया बदलो। सबसे पहले अपनी ये बेहुदा मूछें ये तो कटवा। और ये सब क्या है? धन के कपड़े पहन, समझे? गुड बॉय। मेरा साथ देना होगा। किस तरह का साथ? यही कि आप अपने घर में एक पार्टी अरेंज करें जिसमें राधा और जानी की मंगनी का ऐलान करें। नहीं, ये नहीं हो सकता। आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा। क्यों? इसलिए क्या आपको अभी पता चल जाएगा। हेलो नजमा। हेलो फ्याज भाई। फ्याज की राय तो यह है कि बेकार वक्त मत जाया करो। क्या मतलब? जानी नहीं आएगा। वो एक मालदार आदमी की लड़की में दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं नहीं मानती। अरे पगली, चंद दिन बाद उस करोड़पति की बेटी से मंगनी करेगा। अगर उसने ऐसा किया तो मैं ऐसे शुरू कर दूंगी। अब तो राबिया बेटी को राजी करना ही पड़ेगा। आपकी बात हरगिज नहीं मानती डैडी। मैं उस लड़के से मंगने के लिए हाँ कैसे कह दूं जो हमारे टुकड़ों पर चला है। चंद घंटों की बात है बेटी। थोड़ी देर के लिए आप किसी को मेरा जीवन साथी मंसूब करके फिर इस रिश्ते को तोड़ देना चाहते हैं? हाँ बेटी, बिल्कुल यही सोचा है मैंने। ये बात आप जैसे व्यापारी इंसान की सोच से हो सकती है, लेकिन आपके फैसले के पीछे छुपे कारोबार पर राबे अपने जज्बात को बंद नहीं कर सकते। तुम हमारी बात बात खुलकर कीजिए डैडी। आप खानदानी इज्जत को कारोबारी अंदाज में दांव पर क्यों लगाना चाहते हैं? क्यों बेटी को उसकी मर्जी के खिलाफ जाना चाहते हैं?
अगर आपने ये सब कुछ अपने किसी फायदे के लिए किया है तो मैं आपके नुकसान में राजी हूँ। मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं। तुम तो पागल हो राबिया, तुम्हारे डैडी का ये फैसला हमें कभी जुदा नहीं कर सकता। तुम्हारा मतलब है मैं? हाँ हाँ, मैं जो कुछ कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। चुपचाप अपने डैडी की बात मान लो। मैं सच कहता हूँ ये मंगनी बहुत जल्द टूट जाएगी। हमने बहुत सोचने के बाद राबिया और जानी का रिश्ता मंजूर कर लिया। सच? आपकी इस मेहरबानी पर यकीन नहीं आ रहा है सर। हम पर भरोसा रखो कमाल, लेकिन तुम्हें हमारी एक बात माननी पड़ेगी। एक बात सर? हजार बातें, आप हुक्म तो कीजिए। मंगनी के उस फंक्शन में तुम्हारी मौजूदगी में लोग हम पर उंगलियां उठाएंगे। मैं समझा नहीं सर। जानी को कोई नहीं जानता कि वो कौन है। हम लोगों से कहेंगे कि हम राबिया की मंगनी अपने एक मरहूम दोस्त के बेटे से कर रहे हैं। शर्त सिर्फ ये है कि तुम उस मंगनी में नहीं आओगे। बेटी की खुशी में और मैं ना आऊं, बात तो मुश्किल है। लेकिन आपकी खुशी की खातिर के बेटे जानी को अपनी बेटी राबिया से मंसूब कर रहा हूं। मैं अपनी बेटी के लिए आप सबकी दुआओं का तालिब हूं। जानी बेटे, अंगूठी पहनाने की रस्म अदा करो। यस सर। बेटी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। शेख साहब, इस खुशी के मौके पे हमारा तो इंतजार कर लिया होता। आइए आइए फैयाद साहब, ये सब आप ही की दुआओं का नतीजा है। जी, मेरी दुआओं का नतीजा? वो किस तरह? आप दोस्त जो ठहरे, अभी तो आपको अपने दोस्ती भी अदा करना है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। जानी की जिंदगी खत्म होती, तेरी जिंदगी भी मौत के अंधेरे में डूब जाएगी, ताकि तुम मुझे ब्लैकमेल ना कर सके। आपके दोस्ती के तौर पर आज तेरी लाश के खून में तड़पती नजर आएगी सेठ। अरे भाई, खुशियों की घड़ी और इतनी खामोशी, क्या बात है सेठ साहब? नई जिंदगी और नया बहरूप, मुबारक हो जानी। जी शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। दोस्त चेहरों की पहचान होगी। अरे भाई, आप लोग तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। सर आई आओ बेटी। Thank you.
वो जानी और प्रोफेसर दोनों कहाँ हैं? डैडी वो तो वो जाए जहन्नम में। राधा बहन पहले डैडी को और प्यार भाई को जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी करो। अरे छोड़ बुढ़े, मुझे यहाँ क्यों लाया? पागल हो गया क्या? बखरुद्दार मैं बताता हूँ तुम्हें मैं यहाँ क्यों लाया हूँ। क्या बात है, कौन हो तुम? मेरे बेटे के साथ ये सब क्या जाती है? मैं आपका दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं कमाल सेठ। डैडी ये मुझे सेठ अमजद के घर से इसलिए उठा लाया हूँ कि आज रात सेठ अमजद तुम्हारे कत्ल का प्रोग्राम बना रहा था। तुम्हारी किस्मत अच्छी कि साजिश का मुझे ऐन वक्त पर पता चल गया। ये तुम क्या कह रहे हो? आज तो मेरे बेटे की मंगनी थी। मंगने के बजाय आपको अपने बेटे की लाश मिलती। कमाल साहब, इसकी जान बचाना मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया। इसका मतलब है कि सेठ अमजद मुजरिम ही नहीं, आप दोनों का दुश्मन भी है। खुदा हाफिज। इतना तो बता दो तुम कौन हो जिसने मेरे बेटे की जिंदगी बचाकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया? क्या करेंगे पूछकर, शायद कभी एहसान लौटा दू तुम्हारा। मैं नवाब हशमत का बेटा सलीम हूं। आप सलीमिया छोटे नवाब साहब? कभी था, अब नहीं। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। डैडी आपसे जानते ही ये कौन है? हाँ बेटे, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। सेठ अमजद के कहने से मैंने नवाब इशमत पर बड़े जुल्म किए, मैं उसे माफी मांगूंगा, मैं उसे जाकर माफी मांगूंगा। नहीं बहुत देर हो गई, खुदा खैर करे। सयाद भी नहीं आए, दोनों साथ गए थे। हाय मम्मी, क्यों फिक्र करती है? वो क्लब में गए हैं, किसी शूटिंग पर तो नहीं गए? तुम अपनी बकवास बंद नहीं करोगी? मैं जो तुम बैठो, मैं ये डैडी को लेकर आती हूँ, जल्दी आना। अच्छा आओ राबिया। ये लीजिए डैडी। जीती रहो बेटी। खुदा हाफिज। हमारी नजरों से दूर हो जाओ। तुम वो शख्स हो जिसने आज के खिलाफ साजिश की थी, आपको बर्बाद किया, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं नवाब साहब। मुझे माफ कर दीजिए, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए, रसूल के सबके मुझे माफ कर दीजिए, नवाब साहब मुझे माफ कर दीजिए। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे, वतन का दुश्मन स्मगलर सेठ अमजद अपने अंजाम को नहीं पहुंच सकता, जिसने एक ही बार में आपको, छोटे नवाब को, मुझे और मेरे बेटे को बर्बाद करने की कोशिश की है। तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं, तुम वतन के दुश्मन को पहचान चुके हो और अल्लाह और उसके रसूल के सदसे में माफी चाहते हो, तो जाओ कमाल, हमने तुम्हें माफ किया। नवाब साहब ने तो आपको माफ कर दिया मुझे। राबिया बेटी। लेकिन राबिया अपने डैडी को कभी माफ नहीं करेगी। मगर की बेटी कहलाने से यतीम कहलाना ज्यादा बेहतर। हमारी बात सुनो। सुनने सुनाने का वक्त नहीं नवाब साहब, हम सबको मिलकर उस वतन के दुश्मन को सजा दिलवानी चाहिए। यहाँ पर तो कोई भी नहीं। मैं तो उन्हें यही छोड़ कर गई थी। आप फिक्र न करें, वो बच के नहीं जा सकते। आप मेरे साथ आइए। आइए। Thank you.
ऐसे खो देना बर्दाश्त नहीं कर सकता। उठा लो सेठ बाबा, दोनों हाथों से उठाओ, ये दौलत हमारे लिए बहुत जरूरी है। मगर वतन की लूटी हुई दौलत तुम इतनी आसानी से नहीं ले जा सकते। तुम दोनों का अंजाम जुदा नहीं, एक जैसा ही होगा कमीनों।
जानी जानी जानी, ये तुमने क्या किया जानी? जानी को फौरन हॉस्पिटल ले चलो। प्यार की बाजी तो यही खत्म हो जाएगी रबिया। एक बार छोटे नवाब मेरी जान बचाकर मुझे तुमसे दूर ले गए थे, आज मैं पैसा लौटाकर इन्हें तुम्हारे करीब